हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेद श्री क्लासेस। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका टॉपिक मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि मोटिवेशन या अभिप्रेरणा जो वर्ड है वो कहाँ से आया है, तो मोटिवेशन वर्ड आपका लैटिन वर्ड मूवेयर से आया है, जिसका मतलब होता है टू मूव यानी चलना। ठीक है, मूवेयर या मूवर से कह सकते हैं आप। फिर अगर हम कुछ डेफिनेशंस की बात करें, कुछ परिभाषाओं की जो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने दी है कि मोटिवेशन को किस तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, तो उसमें गुड की एक डेफिनेशन है, किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित बनाए रखने की प्रक्रिया को अभिप्रेरणा कहते हैं। तो कोई भी काम आप जब स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए आपको अंदर से क्या चाहिए होता है, मोटिवेशन चाहिए होता है, कभी प्रेरणा चाहिए होती है, तभी आप उसके तरफ काम करेंगे। ठीक है, तो कोई भी काम शुरू करने के लिए आपको मोटिवेशन चाहिए। फिर आप अगर मोटिवेटेड होंगे, आप अभिप्रेरित होंगे, तभी आप उस कार्य को जारी रखेंगे, नियमित रखेंगे और तब जाकर आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। तो किसी भी काम को शुरू करना, उसे जारी रखना, उसे नियमित बनाए रखने की जो प्रक्रिया है उसी को आप अभिप्रेरणा कहेंगे। फिर लोवेल की एक डेफिनेशन है, प्रेरणा एक ऐसी मनोशारीरिक अथवा आंतरिक प्रक्रिया है जो किसी आवश्यकता की उपस्थिति में प्रादुर्भूत होती है। यह ऐसी क्रिया की ओर गतिशील होती है जो आवश्यकता को संतुष्ट करती है। तो हम कोई भी काम जब करते हैं तो वो क्यों करते हैं, हम अपनी किसी ना किसी नीड को, किसी ना किसी आवश्यकता को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे अंदर कोई अभाव की स्थिति हमें महसूस होगी जिसे पूरा करने के लिए, जिसे संतुष्ट करने के लिए हम कोई काम करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। ठीक है, फिर जॉनसन की एक डेफिनेशन है, अभिप्रेरणा सामान्य क्रियाकलापों का प्रभाव है जो व्यक्ति के व्यवहार को एक उचित मार्ग पर ले जाती है। तो हम जो डे टू डे एक्टिविटीज जनरली करते रहते हैं वो कब होती है, जब हम अभिप्रेरित होंगे। हम किसी एक मार्ग पे तभी चलते हैं जब हम अभिप्रेरित होंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश लगातार करेंगे। ठीक है, फिर देखिए प्रेरणा के लक्षण के बारे में जानते हैं। तो पहला है, यह लक्ष्य निर्देशित गोल ओरिएंटेड होती है। मतलब जब भी आप कुछ काम करते हैं तो वो हमेशा कुछ ना कुछ लक्ष्य की प्राप्ति के लिए करते हैं। ठीक है, तो आपका गोल जो है वो पहले से ही स्पेसिफाइड होता है। आप एक गोल डिसाइड कर लेते हैं, लक्ष्य जो है वो आप एक ठान लेते हैं कि मुझे इसकी ओर बढ़ना है, तो आप उसी की तरफ अभिप्रेरित होकर कार्य करते रहेंगे। तो अभिप्रेरणा जो होती है वो लक्ष्य निर्देशित होती है। फिर है, इसमें ऊर्जा परिवर्तन शामिल है। आपके अंदर ऊर्जाओं का परिवर्तन होता है जब आप अभिप्रेरित व्यवहार दिखाते हैं। जब आपको कोई अभाव की स्थिति महसूस होगी तो आपके अंदर से एक तनाव उत्पन्न होगा कि मुझे इस अभाव को किसी तरीके से संतुष्ट करना है, तो आप एनर्जेटिक फील करोगे। जब मोटिवेटेड होता है ना इंसान अंदर से, तो खुद काम में लग जाता है। ठीक है, उसे नींद भी नहीं आएगी, वो क्या करेगा, वो अपनी उस आवश्यकता को संतुष्ट करने में लग जाएगा, या जो भी लक्ष्य उसने चूज किया है उसे प्राप्त करने में लग जाएगा। ठीक है, और तभी उसे सेटिस्फैक्शन मिलता है, वो ऊर्जा तभी शांत होती है जब वो लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो ऊर्जा परिवर्तन इसमें शामिल होता है। फिर है, प्रेरित व्यवहार निरंतर होता है, कंटिन्यूस है। अभिप्रेरित व्यवहार तब तक चलता रहेगा जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। फिर है, प्रेरित व्यवहार चयनित प्रतिक्रिया को प्रेरित करता है। जब आप एक लक्ष्य जो है वो डिसाइड कर लेते हैं, चूज कर लेते हैं, तो अब आप क्या करेंगे, अभिप्रेरित व्यवहार में आप चुने हुए कार्य ही करते हैं। ठीक है, चयनित प्रतिक्रिया क्या देंगे आप, जो आपको उस काम की ओर लेके जाएगी आप वही काम करेंगे। जैसे अगर कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है या कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तो वो क्या करेगा, वो अपना एक निश्चित टाइम टेबल बना लेगा, समय बना लेगा कि मुझे इन इन समय में पढ़ना है। तो उसने क्या किया, अपने रिस्पॉन्सेज सेलेक्ट कर लिए, चूज कर लिया कि मुझे किस किस टाइम में पढ़ना है। और जो चीज़ें उसका टाइम वेस्ट करती हैं, बर्बाद करती हैं, मान लो पढ़ने का टाइम है लेकिन दोस्त आगे चल मूवी देखने चलते हैं, तो आपको क्या करना है, आप सेलेक्ट करना है। अगर आप अभिप्रेरित हो, आपको एग्जाम क्रैक करना है, तो आप क्या करोगे, आप मना कर दोगे फ्रेंड्स को और अपना पढ़ने बैठ जाओगे। तो आप अभिप्रेरित जब व्यवहार करते हैं तो वो चयनित प्रतिक्रिया देते हैं आप, जो आपको आपके लक्ष्य तक लेके जाती है। फिर है, प्रेरणा आंतरिक भी हो सकती है और बाहरी भी हो सकती है। आंतरिक प्रेरणा क्या हुई, जो आपके अंदर से आ रही है, ठीक है, वो आंतरिक प्रेरणा होती है, इसके विषय में अभी हम और बात करेंगे। और बाहर से अगर आपको कोई अभिप्रेरित करने की कोशिश कर रहा है कि अगर तुम ये काम करोगे तो तुम्हें ये रिवॉर्ड मिलेगा, तो ये बाहरी प्रेरणा होगी। ऐसे ही इसे हम सकारात्मक और नकारात्मक भी कह सकते हैं। जो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है वो सकारात्मक होती है, और जो बाहरी अभिप्रेरणा होती है वो नकारात्मक होती है। प्रेरणा आपकी दो प्रकार की होती है। पहली होती है आंतरिक अभिप्रेरणा, जिसे आप प्राकृतिक अभिप्रेरणा या सकारात्मक अभिप्रेरणा भी कहते हैं। अब देखिए, ये कैसी अभिप्रेरणा है, इसका सेंटर या केंद्र जीव के अंदर होता है। मतलब जब मैं अंदर से मोटिवेटेड हूं कि मुझे कोई काम करना है, ठीक है, मेरे अंदर से इच्छा आ रही है, तो ये क्या हुआ, आंतरिक प्रेरणा, और इसे सकारात्मक अभिप्रेरणा भी कहते हैं।
और बाहरी अभिप्रेरणा या कृत्रिम अभिप्रेरणा, नकारात्मक अभिप्रेरणा क्या कहलाएगी? जब किसी व्यक्ति को बाहर से किसी प्रोत्साहन के लिए, कोई रिवॉर्ड के लिए बोला जाए कि तुम ये काम करके दिखाओ और इससे तुम्हें ये रिवॉर्ड मिलेगा, तो वो बाहरी रूप से भी प्रेरित होता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं कि अगर कोई बच्चा जो है क्लास में फर्स्ट आना चाहता है, ठीक है, खुद से वो उसके लिए क्या कर रहा है, अपना एक टाइम टेबल बना रहा है, बहुत लग के पढ़ाई कर रहा है, काफी घंटे देता है, चीजों को समझता है, तो वो क्या है, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, ये सकारात्मक अभिप्रेरणा है। लेकिन अगर उसी बच्चे के पेरेंट्स उसे ये कहें कि तुम क्लास में फर्स्ट आके दिखाओ, हम तुम्हें साइकिल देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये बाहरी अभिप्रेरणा हो जाएगी, कृत्रिम या फिर नकारात्मक अभिप्रेरणा कहलाएगी, ठीक है। तो ये जो अभिप्रेरणा होती है, इसका जो केंद्र है वो जीव के अंदर ना होकर जीव के बाहर है। बाहर से आपको कोई दिया जाएगा प्रलोभन, तो आप उसके लिए काम करेंगे, ठीक है। ये ज्यादा समय तक नहीं चल सकती, क्योंकि अगर आपको बाहर से रिवॉर्ड मिलना बंद हो जाए तो आप वो काम करना बंद कर देंगे। नेक्स्ट देखेंगे कि अभिप्रेरणा के घटक क्या क्या होते हैं, ठीक है, क्या क्या कंपोनेंट्स है इसके। तो सबसे पहला घटक जो अभिप्रेरणा का है वो होता है आवश्यकता। आवश्यकता का मतलब क्या है, कोई ना कोई नीड हमारे अंदर, जब कोई अभाव की स्थिति उत्पन्न होती है, हमें लगता है कि ये कमी है हमारे अंदर, तो वो क्या होती है, हमारी नीड, हमारी आवश्यकता होती है, ठीक है। अब आवश्यकताएं जो हैं वो आपकी कितने प्रकार की हो सकती है, पहली होती है आपकी प्राथमिक आवश्यकताएं, दूसरी होती है गौण आवश्यकताएं। प्राथमिक आवश्यकताएं यानी प्राइमरी नीड्स, गौण आवश्यकताएं मतलब आपकी सेकेंडरी नीड्स। तो प्राथमिक आवश्यकताओं में आपके आ जाती है जैविक आवश्यकताएं, भोजन, पानी, ठीक है, रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब आपकी कैसी जरूरतें हैं, ये आपकी जैविक आवश्यकताएं, इनके बिना आप जी नहीं सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शारीरिक आवश्यकताओं में भी इसे रखा जाता है, ये आपकी शारीरिक आवश्यकताएं हैं, इनके बिना आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और गौण आवश्यकताएं क्या होती है, जैसे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है, सुरक्षा चाहिए, प्रेम चाहिए, स्नेह, उपलब्धि, मैं कहीं कुछ पहुंचूं, मेरा एक स्टेटस हो, ठीक है, फिर रिश्ते नाते भी हमें चाहिए होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि इनके बिना हम जी नहीं सकते, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो प्राथमिक आवश्यकताएं जो है उनके बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते, जी नहीं सकते, लेकिन गौण आवश्यकताएं ऐसी आवश्यकता है जिनके बिना आप जी सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारी लाइफ में ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट, इसका जो कंपोनेंट या घटक कह लीजिए है ड्राइव या चालक, ठीक है। अब चालक क्या है, चालक को आप एक तनाव या उत्तेजना की स्थिति समझ सकते हैं जो आपके अभाव से जागृत होती है। मतलब आपके शरीर में किसी भी चीज की अभाव हुई, या आपके जीवन में किसी भी चीज का आपको अभाव महसूस हो रहा है, तो आपके अंदर एक तनाव हो जाएगा कि मुझे किसी तरीके से इस अभाव को क्या करना है, संतुष्ट करना है, पूरा करना है, कि मैं इस अभाव को खत्म करूं। तो वो अभाव या नीड जो है आपके अंदर एक उत्तेजना की स्थिति को उत्पन्न कर देती है, इसी को ड्राइव या चालक कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने नाश्ता किया था सुबह 9 बजे करीब, और अब 1 या 2 बजे तक आपके शरीर को क्या हुआ, अब कमी महसूस होगी, अब उसे और न्यूट्रिशन चाहिए, उसे खाना चाहिए, ठीक है। तो वो किसे जन्म देगा, वो भूख को जन्म देगा, ठीक है। शरीर में न्यूट्रिशन की कमी हुई, उससे आपको क्या लगी, भूख लगी। भूख क्या है, चालक है, ठीक है। फिर देखिए तीसरी चीज है प्रोत्साहन। प्रोत्साहन क्या होता है, जब आप मोटिवेटेड व्यवहार करते हो, ठीक है, अभिप्रेरित व्यवहार जब आप दिखाते हो, तो इसमें आपको बीच बीच में कुछ ना कुछ रिवॉर्ड या पुरस्कार मिलते हैं। यही क्या करते हैं, आपको अभिप्रेरित व्यवहार निरंतर करते रहने के लिए, या फिर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, आगे बढ़ते रहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसी को प्रोत्साहन कहते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया कि आपके शरीर में न्यूट्रिशन की कमी हुई और अब आपको भूख लग रही है, चालक, तो चालक आपसे क्या करवाएगा, आप क्या करोगे, किचन की तरफ जाकर खाना लोगे, ठीक है। तो वो खाना, जब आप खाना शुरू करोगे, आपके लिए किसका काम कर रहा है, प्रोत्साहन का काम कर रहा है, ठीक है। और तब तक खाओगे जब तक कि आपकी भूख शांत नहीं हो जाती, जब तक आपका पेट भर नहीं जाता, और पेट भरना ही आपका क्या है, लक्ष्य। आपके अंदर जो कमी हो रही थी न्यूट्रिशन की, वो आपने पूरी करी, आपने अपना पेट भर लिया, आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, इससे आपका जो तनाव या उत्तेजना या जो भूख थी वो शांत हो गई, ठीक है। तो ये था आपका लक्ष्य। इसी को प्रेरणा चक्र के रूप में दर्शाया जाता है। देखिए प्रेरणा चक्र इस तरीके का होता है, सबसे पहले हमारे अंदर नीड यानी कि कोई कमी या फिर आवश्यकता, ठीक है, वो उठती है। आवश्यकता हमने देख लिया क्या है, किसी चीज का अभाव। फिर ये किसे जन्म देती है, ड्राइव को, यानी एक चालक को जन्म देती है। चालक से हम अभिप्रेरित व्यवहार करते हैं, जो हमें अभिप्रेरित व्यवहार करने में मजबूर करता है, इससे हमें क्या मिलता है, प्रोत्साहन यानी इंसेंटिव। और जब प्रोत्साहन हमें मिलता है, उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, सेटिस्फाइड हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। तो ये है गोल। और इसके बाद यहीं पे रुकेगा नहीं, फिर कोई और तरह की नीड आपके अंदर अराइज हो जाएगी, और इसी तरीके से जीवन भर हमारा ये सर्कल चलता रहता है, ठीक है। एक नीड शांत हुई,
फिर इसके बाद दूसरी कोई नीड हमारे सामने आ जाती है। यह है आपका अभिप्रेरणा चक्र।